हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आलू की बुवाई के लिए आलू की कटिंग हो रही है। देखिए, आलू की कटिंग ऐसे होती है। आलू की साइज के हिसाब से एक आलू की दो टुकड़े, तीन टुकड़े, चार टुकड़े और बड़ा आलू हो तो पांच छह टुकड़े किए जाते हैं। देखिए, फ्रेंड्स, आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि आलू की बुवाई ऑटोमेटिक मशीन से खेत में कैसे होती है। फ्रेंड्स, आलू को हर कोई पहचानता है क्योंकि आलू की सब्जी हर घर में बनती है और आलू 12 महीने मिलता है क्योंकि आलू को निकालने के बाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में नवंबर महीने में लगाते हैं और मार्च महीने में निकाल देते हैं आलू को। ये सब आलू बुवाई के लिए कटिंग हो रहे हैं। और ये आलू के ऊपर दवाई लगाई है, वो लाल रंग का दिखता है। जमीन के अंदर जाके कोई इंस्पेक्शन न हो इसीलिए दवाई की जाती है। आलू की कटिंग करने के बाद 15 से 20 घंटा तक उसको सुखाना पड़ता है, फिर आलू की बुवाई होती है। चलो, मैं आपको अब खेत में लेके चलता हूँ।
फ्रेंड्स हम खेत में आ चुके हैं। देखिए ये खेत में आलू की बुवाई हो रही है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये ट्रैक्टर से आलू की बुवाई की मशीन से हो रही है। देखो ये खेत में ऐसे बेड़ होते हैं। ये मेरे पीछे ट्रैक्टर आ रहा है, इसमें आलू की बुवाई होती है। देखो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक मशीन है आलू का बुवाई के लिए। ये चक्कर है, इस चक्कर से ये आखा मशीन चलता है। देखिए इस चक्कर से ये चैन द्वारा यहाँ से ऑटोमेटिक आलू का बीज, ये बॉक्स में आलू का बीज है। देखिए इसे DRM लेता है बेल्ट द्वारा। खाद भी ऑटोमेटिक लेता है ये मशीन। ये आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से खाद, ये खाद का बॉक्स है। देखिए पहले के ज़माने में खुरपी से आलू की बुवाई होती थी, अभी सब सभी जगह पे ऑटोमेटिक मशीन आ गए हैं। ये आलू की खेती 110 से 120 दिन की होती है। 110 दिन में निकल जाएगा। ये पूरा ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ से खाद नीचे आता है। ऐसे आलू की बुवाई होती है। ये खेत में 12 दिन पहले पानी दिया हुआ था, फिर कल 3 बार कल्टीवेटर मार के ऐसी मिट्टी बनाई है। देखो ऐसे लड्डू हो जाए ऐसी मिट्टी चाहिए।
ज़्यादा भीनी नहीं और ज़्यादा सूखी भी मिट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बियारण जो होता है उसको भेज वाली मिट्टी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।